सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो लेक्चर सीरीज के थर्ड पार्ट में आ चुके हैं हम लोग। वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पहले और दूसरे पार्ट जरूर देखे होंगे। पहले और दूसरे पार्ट में हमने काफी कुछ चैप्टर के रिगार्डिंग में समझने की कोशिश करी है। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आफ्टर पार्टीशन, जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे राइटर्स इसको बहुत बड़ा एक नए नए शब्दों से इसको बोलने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी के टाइम पीरियड पे पार्टीशन हुआ था। जर्मनी के टाइम पीरियड पे यहूदियों को, पार्टीशन नहीं हुआ था, यहूदियों को बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मार दिया गया था। तो ऐसे एक वर्ड के अंदर उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द आया था उस टाइम पीरियड पे। दिस इज कॉल्ड द होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट का मतलब हिंदी शब्द के अंदर होता है महाविध्वंस। तो आप इस शब्द को भी सेम ऐसा ही बोल सकते हैं कि जिस टाइम पीरियड पे भारत और पाकिस्तान का पार्टी डिवीजन हुआ, जिस समय पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसी स्थिति को भी महाविध्वंस का टाइम पीरियड बोला गया। इतिहासकर्ता बताते हैं कि इतिहास के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इतिहासकर्ताओं ने बहुत ऐसे सिचुएशन के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल भी करा था, लेकिन होलोकॉस्ट उनमें से एक शब्द था। और वो एक सही तरीके से जो डिवीजन हुआ था, जो पार्टीशन हुआ था, वो भारत की दर्दनाक स्थिति को दिखाने की कोशिश करता है। हमने शुरुआती समय में ये तो समझ लिया था वीडियो लेक्चर सीरीज के सेकंड पार्ट में कि अगर पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के कारण क्या थे, पार्टीशन के क्या परिणाम निकले, मतलब पार्टीशन के परिणाम हम इसमें पढ़ेंगे, पार्टीशन किस तरीके से होना था, क्या प्रोसेस था, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या चीज़ें बताई वगैरह वगैरह। नहीं आपने समझा है तो आप उसे ज़रूर समझने की कोशिश करिए। अब आते हैं उसकी तरफ, परिणाम की तरफ आगे बढ़ते हैं, और परिणाम बड़ा ही दर्दनाक था। देखो 1947 पे बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी आबादी को जाने पर मजबूर करना या स्थानांतरित करना, मैं ये तो कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की भारत सरकार की प्लानिंग नहीं थी, या जो भी ब्रिटिशर्स हमारे भारत को तोड़ के हमें क्या कहते हैं डिवाइड कर रहे थे, मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार की एक तरीके से प्लानिंग नहीं थी। अगर ये सोची समझी प्लानिंग होती तो शायद से बहुत अच्छा स्टेप लिया जा सकता था, पर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप लिया नहीं गया इसके बारे में। कारण ये था कि जब ये अनप्लान था तो भाई कैसे पार्टीशन हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड की मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप गदर मूवी, गदर एक प्रेम कथा और दूसरा भाग मिल्खा भाग अगर जैसी मूवी आप अगर आप देखोगे तो पार्टीशन का बिल्कुल एग्जैक्टली नमूना आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से भारतीय सरकार और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों ही कमजोर नजर आ रही थी, अनप्लान नजर आ रही थी, और उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि पार्टीशन का सही प्रोसेस क्या होता है। तो उस समय पे आप कह सकते हैं कि 80 लाख डेटा मैंने निकाला है कि लगभग 80 लाख लोगों को ट्रांसफर होना पड़ा, और बड़ा ही दुखद ट्रांसफर था ये। 80 लाख लोग टोटल, रेशो बिल्कुल ये नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ से इतने गए, वहाँ से इतने गए, वहाँ से इतने आए, यहाँ से इतने गए, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन बस लोगों को इतना पता है कि ऑफकोर्स ये जो लोगों का ट्रांसफर हुआ था ना, वो बड़ा ही दर्दनाक था। सबसे पहला परिणाम यही था कि दुखद था, रातों रात लोगों को समझना पड़ गया कि ये हिस्सा पाकिस्तान हो गया जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, और जो कभी लोगों को लगता था कि यार ये तो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान कब बन गया, या उन मुसलमानों को जो इंडिया के अंदर रहते थे वो लोग, उनको बोला गया कि अब आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही दुखद था। उसकी वजह से क्या हुआ, किलिंग हुई और अत्याचार बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। किलिंग कैसे हुई, आपने देखा होगा समझौता एक्सप्रेस के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ आपने। समझौता एक्सप्रेस के अंदर कहा जाता है कि वहां से 10,000 लोगों को मार के भेजा जाता पाकिस्तान से, इंडिया के लोग फिर मार के किसी मुसलमान को भेज देते पाकिस्तान। तो इस तरीके से रेशियो निकाला गया कि लगभग 5 से 10 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ अत्याचारों की वजह से मारे गए होंगे। बेचारे वो मासूम औरतें, मासूम बच्चे, बुजुर्ग, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस पार्टीशन के परिणाम उनको देखने पड़े। दूसरा, कम्युनल जोन बने। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो पंजाब के हिस्से को बांटा गया था। तो पंजाब में एक तो लाहौर जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, और दूसरा था अमृतसर। तो अमृत सोचिए, अमृतसर और लाहौर दोनों ही एक ऐसी जगह थी जहां पे बहुत ही गंदा तरीके से पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला, पार्टीशन हमें देखने को मिला, और कम्युनल जोन बड़े तगड़े बने। कलकत्ता उनमें से एक था। कलकत्ता भी क्या कहते हैं उस समय पे कम्युनल जोन बड़ा, बड़े दंगे वहां पे हो रहे थे। और उस समय पे सादन हसन मंटो, इनकी एक लिखी हुई कविता है जो आप कह सकते हैं मेहमान नवाजी में कसर, ये बड़ी एनसीईआरटी के अंदर बड़ी छुपी हुई चीजों से लिखी हुई है, पर सादन हसन मंटो के बारे में हमें भूलना नहीं चाहिए। ये बंदा वही था जो सच्चाई लिखा करता था। हालांकि आप कह सकते हैं मरे ये क्या कहते हैं लाहौर, पंजाब, वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ही, जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। 42 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी, पीते बहुत थे, लेकिन इनकी आज भी जो लिखी हुई चीजें हैं ना वो बड़ी ही फेमस है। इनके ऊपर मूवी बनी हुई है,
आपके क्या कहते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छा रोल प्ले करा है। वो लिखते क्या है, दंगाइयों ने चलती ट्रेन को रोका, गैर मजहब के लोगों को खींच खींच कर निकाला और तलवार और गोली से मौत के घाट उतार दिया। बाकी यात्रियों को हलवा फल दूध दिया गया। आयोजकों के मुखिया ने कहा, भाइयों बहनों, ट्रेन के आने की खबर देर से मिली, इसी कारण हम आपका स्वागत पुरजोर तरीके से नहीं कर सके जैसा कि आप सब चाहते होंगे। सादन हसन मंटो ने ये चीज लिख के दिखाई। मतलब ये दोनों ही तरफ में भी ऐसा हो सकता है कि इंडिया की तरफ से अगर कोई आ रहा है, मतलब पाकिस्तान से कोई इंडिया की तरफ अगर हिंदू आ रहा है तो मे भी वो किसी मुसलमान को ऐसे मार देते होंगे और फिर अपने लोगों को क्या कहते हैं खाना खिलाते होंगे। सेम ऐसे जब इंडिया से जो लाहौर वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जब वहां से ट्रेन जाती होगी तो वहां भी में भी ऐसा होता होगा। तो ये मेहमान नवाजी में कसर कुछ ऐसा ही, सादन हसन मंटो बड़े ही ताज्जुब व्यक्ति थे कि मतलब ऐसी चीजें लिखा करते थे उस टाइम पीरियड पर, किसी को किसी से इनको डर भी नहीं लगता था। तो एक बात थी इसमें जिन्होंने लिखी उस ट्रेजिक चीजों पे, शरणार्थियों को शिविरों में रहना पड़ा, कई छोटे छोटे बच्चों को क्या कहते हैं अपने माता पिता से छूटना पड़ा, बहुत सारी वुमेन्स का रेप हुआ, फोर्सफुली उनको कन्वर्जन करवाया गया, मैरिजेस उनकी हुई, तो ये बड़ा ही खतरनाक था। और ऑनर किलिंग बड़ी मात्रा में हुई। ऑनर किलिंग बोलते जैसे कि मान लो कि कोई इंडियन है, मतलब कोई हिंदुस्तानी हो किसी मुस्लिम का रेप कर रहा है, कोई मुस्लिम किसी हिंदुस्तानी का रेप कर रहा है, तो ऐसे किसी से पेरेंट्स को ये लगता था कि अगर हमारे किसी छोटी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो इससे अच्छा हम उनको मार ही क्यों ना दे। तो बड़ा ही सोचे कितना एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती होगी ऐसा कुछ करना, लेकिन उस समय लोगों ने किया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बड़ी तगड़ी थी। मतलब यहाँ पे मोहम्मद अली जन्ना और क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में एक बहस भी हो गई थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके। मोहम्मद अली जन्ना कह रहे थे कि जब पाकिस्तान क्या कहते हैं अलग हुआ है तो ऐसा क्यों ना हो कि भाई पाकिस्तान को पूरी आधे पैसे पाकिस्तान को दिए जाए, आधे पैसे हिंदुस्तान को दिए जाए। तो यहाँ पे मोहम्मद अली जन्ना यही कह रहे थे कि यार जब आधा आधा बंटा है तो सब कुछ आधा आधा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना ये था कि आप ये देखो कि आपका क्षेत्रफल कितना है, हमारा क्षेत्रफल कितना है। आप ये कह रहे हो कि हमारी आर्मी भी आधी बढ़ जाए, तो भाई आर्मी जो है वो किसी देश की कैसे बढ़ सकती है। तो जो भारत का एक बाशिंदा है, भारत में जो रहने वाला बंदा है, वो तो सर्विस सिर्फ भारत के लोगों के लिए ही करेगा ना। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात थी। इसलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी थी ड्यूरिंग पार्टीशन, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को बांट लिया गया था। बहुत सारे लेखक, कविताकार, फिल्म मेकर, छोटे छोटे नॉवल लिखने वाले, लघु कथाएं लिखने वाले, कविताएं लिखने वाले, फिल्में बनाने वाले, उन सभी लोगों ने ऐसे सिचुएशन को अपनी फिल्मों में दिखाने की कोशिश करी हुई है। और मैंने छोटा सा एग्जाम्पल गदर और भाग मिल्खा भाग का दिया हुआ है, आप लोगों ने इसका नाम सुना जरूर होगा। मूवी को ज्यादा अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको ऐसे पार्टीशन के दौर पर रियलिटी ये सारी प्रॉब्लम दिखाई देगी कि ऑफ कोर्स क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे उस टाइम पीरियड पे कलकत्ता में जब क्या कहते हैं गांधी जी थे तो उन्होंने उस समय पे क्या कहते हैं लेटर भी लिखा था, हिज प्रेजेंस इन कोलकाता अर्ली इम्प्रूव द सिचुएशन एंड कमिंग टू द इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेट इन द स्पाइट ऑफ कम्युनल हार्मोनी विद द जॉयलेस डांसिंग इन द स्ट्रीट गांधी जी प्रेयर मीटिंग अट्रैक्ट लार्ज क्राउड बट दीज वॉज शॉर्ट लिव्ड एज रेड्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम इरप्ट वंस अगेन एंड गांधी जी हैड टू रिसॉर्ट टू फास्ट टू ब्रिंग द पीस। ये वो था जिस समय हम जहाँ आज़ादी की लोग क्या कहते हैं लड़ाई जीत कर जश्न मना रहे थे, गलियों में लोग डांस कर रहे थे, वहीं क्या कहते हैं गांधी जी जो थे वो बेचारे कोलकाता गए हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाइयों को छुड़वाने के लिए, कम करने के लिए। इवन उस दिन उन्होंने फास्ट भी रखा था, मतलब जिस समय देश आज़ाद हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हो गया, भारत आज़ाद हो गया, तो फिर उस समय लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन गांधी जी उस समय फास्ट पे बैठे हुए थे और इन दंगों को कम कर रहे थे। तो दोस्तों ये था वीडियो के तीसरे पार्ट में जिसमें हमने समझने की कोशिश करी कि पार्टीशन के दौर पे क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिले थे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो, आई होप दैट यू लाइक द वीडियो सीरीज। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट।